हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। कुकम्बर बीडीडी फ्रेमवर्क डेवलपमेंट सीरीज में आज हम बेस क्लास क्रिएट करेंगे कॉमन रियूजेबल मेथड्स के लिए। फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम मल्टीपल फीचर फाइल्स को हम एग्जीक्यूट करते हैं। कुकम्बर टैग्स का क्या मतलब होता है, किस तरीके से इसको यूज किया जाता है कोडिंग में, इन सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। इस सीरीज के पहले की वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया है। तो सेशन वन में हमने डिस्कस किया था कि बीडीडी क्या होता है, बीडीडी और टीडीडी में क्या डिफरेंस होता है, कुकम्बर क्या है, गर्किन लैंग्वेज क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं गर्किन लैंग्वेज के, और हमने प्रैक्टिकल डेमो के लिए हमने ये एक वेबसाइट हमने सेलेक्ट किया था, noop.com। ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। इसके बाद हमने एक्लिप्स आईडी में एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया था जिसमें हमने कुकम्बर प्लगइन को हमने इंस्टॉल किया था, कुकम्बर एक्लिप्स प्लगइन को। फिर हमने उसमें एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट किया था। फिर हमने उसमें इस प्रोजेक्ट में हमने कुछ पैकेजेस और कुछ फोल्डर्स क्रिएट किए थे। ये सारा हमने सेशन वन में किया था क्रिएट। पेज ऑब्जेक्ट के लिए हमने पैकेज क्रिएट किया था, यूटिलिटीज के लिए पैकेज क्रिएट किया था, स्टेप डेफिनेशन फाइल के लिए पैकेज क्रिएट किया था, टेस्ट रनर के लिए पैकेज क्रिएट किया था, और कुछ फोल्डर्स क्रिएट किए थे। फीचर फाइल के लिए हमने फोल्डर क्रिएट किया था, रिपोर्ट्स के लिए हमने टारगेट फोल्डर यूज किया था, और हमने pom.xml को हमने अपडेट किया था प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज के लिए। फिर हमने फीचर फाइल क्रिएट किया था .feature extension से लॉग इन टेस्ट फीचर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिर हमने पेज ऑब्जेक्ट क्लास भी क्रिएट किया था लॉग इन वेब पेज के लिए। स्टेप डेफिनेशन फाइल क्रिएट किया था फीचर फाइल के लिए, क्रिएटेड स्टेप डेफिनेशन फाइल फॉर फीचर फाइल एंड क्रिएटेड टेस्ट रनर फाइल टू रन टेस्ट केस। फिर हमने टेस्ट रिपोर्ट भी जनरेट किया था। ये सारा हमने सेशन वन में कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद सेशन टू में हमने डेटा ड्रिवन टेस्टिंग इम्प्लीमेंट किया था। फिर हमने रिपोर्ट जनरेट की थी HTML, JSON और XML फॉर्मेट में, और हमने एक न्यू फीचर फाइल भी ऐड किया था, एड न्यू कस्टमर टेस्ट सिनेरियो को एग्जीक्यूट करने के लिए, एड न्यू कस्टमर टेस्ट सिनेरियो को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये सारे स्टेप्स हमने उसमें किए थे। हमने फीचर फाइल क्रिएट किया था, हमने टेस्ट स्टेप्स को गर्किन लैंग्वेज में राइट किया था, हमने फिर पेज ऑब्जेक्ट क्लास क्रिएट किया था एड न्यू कस्टमर पेज के लिए, हमने स्टेप डेफिनेशन फाइल भी क्रिएट किया था फीचर फाइल के लिए, फिर हमने टेस्ट स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट भी किया था टेस्ट रनर फाइल यूज करके run.java। फिर सेशन थ्री में हमने कुछ नए टेस्ट सिनेरियोज ऐड किए थे सर्च कस्टमर बाय ईमेल और सर्च कस्टमर बाय नेम के लिए, और हमने बैकग्राउंड कीवर्ड क्यों यूज किया जाता है फीचर फाइल में हमने ये भी डिस्कस किया था। बैकग्राउंड कीवर्ड हमने यूज किया था रिपीटिंग स्टेप्स के लिए, कॉमन स्टेप्स के लिए, जो भी टेस्ट सिनेरियो में जो भी कॉमन और रिपीटिंग स्टेप्स हैं उनके लिए हमने बैकग्राउंड कीवर्ड यूज किया था। उन सारे कॉमन स्टेप्स को हमने बैकग्राउंड कीवर्ड के अंडर हमने इंक्लूड किया था। तो ये सारा हमने सेशन थ्री में कंप्लीट कर लिया था। अब आज सेशन फोर में हम क्या क्या करेंगे, मैं आपको वो बताती हूं। तो सेशन फोर में हम बेस क्लास एक तो हम क्रिएट करेंगे स्टेप डेफिनेशन फाइल में। बेस क्लास हम क्रिएट करेंगे, सारे कॉमन मेथड्स और कॉमन वेरिएबल्स जो भी हैं स्टेप डेफिनेशन फाइल के उनको हम बेस क्लास में हम मेंटेन करेंगे, बेस क्लास में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बेस क्लास को हम एज ए पेरेंट क्लास लेंगे, और जो भी स्टेप डेफिनेशन फाइल्स होंगी वो सारी पेरेंट क्लास यानी कि बेस क्लास को एक्सटेंड करेंगे, इनहेरिट करेंगी। ठीक है, तो आज हम एक ये करेंगे। दूसरा हम मल्टीपल फीचर फाइल्स को हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे रनर फाइल में, हम ये भी देखेंगे कि अभी तक तो हमने सिर्फ एक ही फीचर फाइल को एग्जीक्यूट किया है, लेकिन अब आज के सेशन में हम मोर देन वन फीचर फाइल्स को हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, हम आज ये भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम टैग क्या होते हैं, कुकम्बर में टैग्स क्या होते हैं, @टैग्स इसका क्या मतलब होता है, किस तरीके से इसको यूज किया जाता है, इन सारी चीजों को हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, इन सबको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसके लिए हम ओपन करते हैं एक्लिप्स आईडी। तो ये है हमारा एक्लिप्स आईडी में मेवन प्रोजेक्ट जो हमने क्रिएट किया है कुकम्बर बीडीडी फ्रेमवर्क डेवलपमेंट के लिए। ये प्रोजेक्ट हमने पहले के सेशंस में क्रिएट किया है। अब आज के सेशन में सबसे पहले हम एक बेस क्लास क्रिएट करेंगे स्टेप डेफिनेशन फाइल में।
तो वो बेस क्लास हमें क्यों चाहिए स्टेप डेफिनेशन फाइल में, तो बेस क्लास हम क्रिएट करेंगे सारे कॉमन मेथड्स और वेरिएबल्स को मेंटेन करने के लिए। तो स्टेप डेफिनेशन फाइल में जितने भी हमारे कॉमन मेथड्स और वेरिएबल्स हैं, अभी तो इस प्रोजेक्ट में हमारे पास स्टेप डेफिनेशन पैकेज के अंदर सिर्फ एक ही स्टेप डेफिनेशन फाइल है, लेकिन रियल टाइम सिनेरियोस में ऐसा नहीं होता, हमारे पास मल्टीपल स्टेप डेफिनेशन फाइल होती है। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स और वेरिएबल्स होते हैं जो सारे स्टेप डेफिनेशन फाइल्स में यूज होते हैं, कॉमनली यूज होते हैं स्टेप डेफिनेशन फाइल्स में। तो उन सारे जो कॉमनली यूज मेथड्स हैं, वेरिएबल्स हैं, उन सबको हम एक सेपरेट क्लास में मेंटेन करेंगे जिसको हम बेस क्लास कहते हैं। तो इस पैकेज में हम एक क्लास क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक किया हमने पैकेज पे एंड न्यू क्लास, और इस क्लास का हम नाम दे देते हैं बेस क्लास, और यहाँ पे हमने फिनिश पे क्लिक कर दिया। तो हमने एक क्लास क्रिएट कर ली, ये रहा हमारा बेस क्लास, और अब हम इस क्लास में सारे कॉमनली यूज वेरिएबल्स और मेथड्स को यहाँ पे हम मेंटेन करेंगे, और जितनी भी स्टेप डेफिनेशन फाइल्स होंगी वो सारी फाइल्स इस बेस क्लास को एक्सटेंड करेंगी। तो इसका क्या मतलब हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बेस क्लास है ये क्लास हमारा हो जाएगा पेरेंट क्लास, और जितनी भी स्टेप डेफिनेशन फाइल्स होंगी वो सारी हो जाएंगी चाइल्ड क्लास। तो अभी तो इस प्रोजेक्ट में हमारे पास एक ही स्टेप डेफिनेशन फाइल है, तो ये जो स्टेप डेफिनेशन फाइल है वो इस बेस क्लास को एक्सटेंड करेगी। तो एक्सटेंड करने से क्या होगा, जितने भी मेथड्स और वेरिएबल्स इस बेस क्लास में अवेलेबल हैं वो सारे एक्सेसिबल हो जाएंगे चाइल्ड क्लास में भी। तो स्टेप डेफिनेशन फाइल जो कि चाइल्ड क्लास होगी इस बेस क्लास की, तो इस बेस क्लास के सारे मेथड्स और वेरिएबल्स चाइल्ड क्लास के पास भी यानी कि स्टेप डेफिनेशन फाइल के पास भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे इस बेस क्लास में सारे कॉमनली यूज मेथड्स और वेरिएबल्स को हम मेंटेन करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो अब चलते हैं स्टेप डेफिनेशन फाइल में, और यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से मेथड्स और वेरिएबल्स हमारे कॉमनली यूज होने वाले हैं सारे स्टेप डेफिनेशन फाइल में। तो ये जो इनिशियली हमने ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, पेज ऑब्जेक्ट, क्लास के ऑब्जेक्ट्स और वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, इन ऑब्जेक्ट्स, इन सारे वेरिएबल्स को हम शिफ्ट कर देते हैं बेस क्लास में, क्योंकि आगे भी अगर हम और भी स्टेप डेफिनेशन फाइल्स हम क्रिएट करेंगे तो ये सारे वेरिएबल्स, जितने भी पेज ऑब्जेक्ट क्लास के वेरिएबल्स हैं और वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है, ये सारे उन उन स्टेप डेफिनेशन फाइल्स में भी हमें चाहिए होगा। तो यहाँ पे हमने इन सारे मेथड्स को हमने बेस क्लास में शिफ्ट कर दिया, बेस क्लास में क्रिएट कर दिया। और लेकिन अब हमें ये वेरिएबल्स और मेथड्स हमें स्टेप डेफिनेशन फाइल में भी चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम स्टेप डेफिनेशन फाइल में यहाँ पे हम एक्सटेंड कर देंगे बेस क्लास को, एक्सटेंड बेस क्लास को। तो अब ये क्या बन गया, ये हमारा हो गया चाइल्ड क्लास, अब ये हो गया चाइल्ड क्लास, ये हो गया हमारा चाइल्ड क्लास बन गया ये बेस क्लास का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से हमने बेस क्लास को एक्सटेंड किया स्टेप डेफिनेशन फाइल में। एक्सटेंड करने के लिए हम इनहेरिट करने के लिए हम क्लास को इनहेरिट करने के लिए हम एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे, अब चूंकि ये स्टेप डेफिनेशन फाइल एक्सटेंड कर रही है बेस क्लास को, तो बेस क्लास के जो भी वेरिएबल्स हैं वो सारे चाइल्ड क्लास के पास भी हो जाएंगे। तो अब हमें यहाँ पे इन वेरिएबल्स को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, जो वेरिएबल्स हमने यहाँ पे पेरेंट क्लास में क्रिएट किया है, बेस क्लास में क्रिएट किए ना हमने ये फोर वेरिएबल्स, अब इन फोर वेरिएबल्स को हमें यहाँ पे क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अब हम बेस क्लास के वेरिएबल्स को चाइल्ड क्लास में इजिली यानी कि स्टेप डेफिनेशन फाइल में हम इजिली एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक चेंज और करेंगे हमारे प्रोजेक्ट में। अब जैसा कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम बार बार यहाँ पे ईमेल एड्रेस को हम चेंज कर रहे हैं, जितनी बार हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं फीचर फाइल को हमें बार बार यहाँ पे ईमेल एड्रेस ये चेंज करना पड़ रहा है। तो क्यों ना हम इस ईमेल एड्रेस को हम रैंडमली जनरेट करते हैं, जिससे कि हम जब भी इसको एग्जीक्यूट करें अपने इस फीचर फाइल को, तो हमेशा एक हमें न्यू ईमेल एड्रेस यहाँ पे मिले। तो उसके लिए जावा में एक क्लास अवेलेबल है, रैंडम स्ट्रिंग यूटिल्स क्लास। तो हम ऐसा करते हैं, बेस क्लास में हम एक मेथड क्रिएट करते हैं रैंडम नंबर जनरेट करने का। तो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा पब्लिक, और ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा ईमेल आईडी के लिए, पब्लिक स्ट्रिंग जनरेट ईमेल आईडी। तो ये रैंडमली ये फोर या फाइव कैरेक्टर का ईमेल आईडी रिटर्न करेगा। रिटर्न
तो ऐसा करते हैं, पहले हम अपना स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं, फिर हम उसको रिटर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट आएगा रैंडम स्ट्रिंग यूटिल, रैंडम स्ट्रिंग यूटिल्स डॉट रैंडम अल्फाबेटिक, और जितने भी कैरेक्टर का हमें रिटर्न करना है स्ट्रिंग, वो कैरेक्टर हमें यहाँ पे राइट करना है। अगर हमें फोर कैरेक्टर कहीं मेरे चाहिए तो हम यहाँ पे फोर राइट कर देते हैं, अगर हमें फाइव चाहिए तो हम फाइव राइट कर देते हैं, और ये रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग, फाइव कैरेक्टर का एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है, एक रैंडम स्ट्रिंग रिटर्न करेगा फाइव कैरेक्टर का, तो उसको हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा रिटर्न स्टेटमेंट, दैट्स इट। तो जब भी ये मेथड कॉल होगा जनरेट ईमेल आईडी, तो एक फाइव कैरेक्टर का रैंडम अल्फाबेट्स यहां से रिटर्न होंगे, और इसी रिटर्न को, इसी रैंडम ईमेल आईडी को यूज करके हम ईमेल एड्रेस जनरेट करेंगे। तो वापस चलते हैं हम स्टेप डेफिनेशन फाइल में, और यहाँ पे हम ईमेल एड्रेस हार्ड कोड करने की जगह हम उस मेथड को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम इस हार्ड कोडेड वैल्यू को कर देते हैं कॉमेंट, और इसको हम एड न्यू कस्टमर पेज का ऑब्जेक्ट डॉट एंटर ईमेल, और यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें उस मेथड को कॉल करना है ईमेल आईडी जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे जनरेट ईमेल आईडी, अब यहां से तो हमें आईडी मिल जाएगी, अब इस आईडी में हमें अपेंड करना है @gmail.com को, तो यहाँ पे डबल कोट्स में @gmail.com, दैट्स इट। तो हर बार जब भी हम फीचर फाइल को रन करेंगे इस टेस्ट रनर फाइल से, हम जब भी कस्टमर्स डॉट फीचर फाइल को हम एग्जीक्यूट करेंगे, हमेशा अपने आप यहाँ पे हमें एक न्यू हमेशा अपने आप यहाँ पे एक न्यू ईमेल आईडी जनरेट होगी, और एक न्यू ईमेल आईडी हमें ईमेल एड्रेस मिलेगा कस्टमर इन्फॉर्मेशन को एंटर करने के लिए। यहाँ पे हमें बेस क्लास को एक बार सेव करना होगा, हमने सेव कर दिया, अभी एरर यहां से चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम रैंडम ईमेल एड्रेस हम जनरेट कर सकते हैं। अब हम जब भी एग्जीक्यूट करेंगे कस्टमर डॉट फीचर फाइल को, हम जब भी रन करेंगे कस्टमर डॉट फीचर फाइल को, तो हमेशा एक यूनिक ईमेल आईडी जनरेट होगी, हमेशा एक यूनिक ईमेल आईडी होगी रैंडम फंक्शन को यूज करके। अभी जो हमने रैंडम फंक्शन क्रिएट किया है ना जनरेट ईमेल आईडी में, यहाँ पे हमने जो रैंडम स्ट्रिंग जनरेट किया है, इस फंक्शन को यूज करके हमेशा एक यूनिक ईमेल आईडी जनरेट होगी। ठीक है, अब हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो चलते हैं रन डॉट जावा में, और यहां से हम इसको राइट क्लिक किया, रन एस जे यूनिट टेस्ट, तो ये इसका एग्जीक्यूशन हो गया स्टार्ट, ब्राउजर लॉन्च हो गया। अभी हमारे पास तीन टेस्ट केसेस हैं, पहला है एड न्यू कस्टमर, फिर दूसरा सर्च बाय ईमेल एंड सर्च बाय नेम। अभी देखिए यहाँ पे एक यूनिक ईमेल एड्रेस जनरेट हुआ है HRQ के नाम से, और उस ईमेल आईडी को यूज करके सक्सेसफुली कस्टमर ऐड हो गया, न्यू कस्टमर ऐड हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट सिनेरियो एग्जीक्यूट हो रहा है, सर्च कस्टमर बाय ईमेल, उसका एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हो गया। अभी हमारा थर्ड सिनेरियो है सर्च कस्टमर बाय नेम, इसका एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हम टेस्टिंग पर्पस के लिए हम रैंडमली ईमेल आईडी जनरेट कर सकते हैं, और सारे टेस्ट केसेस हमारे हो गए एग्जीक्यूट, और हमारे सारे टेस्ट केसेस सक्सेसफुली पास हो गए। रन थ्री, थ्री सिनेरियोस हमारे रन हुए थे, एरर जीरो एंड फेलियर जीरो। अब हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे हम रिपोर्ट चेक करते हैं। तो रिपोर्ट हमारी कहाँ जनरेट हो रही है, रिपोर्ट हमारी जनरेट हो रही है टारगेट फोल्डर के अंदर कुकम्बर हाइफन रिपोर्ट्स फोल्डर में, और ये है हमारी रिपोर्ट, ये हमारी ओल्ड रिपोर्ट है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, और ये है हमारी फ्रेश रिपोर्ट, राइट क्लिक रिफ्रेश, और इसको हम ओपन करते हैं क्रोम ब्राउजर में, ओपन विथ अदर्स एंड यहाँ पे क्रोम HTML डॉक्यूमेंट एंड ओके। तो ये देखिए
ये रही हमारी रिपोर्ट। तीनों सिनेरियोज हमारे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गए। ठीक है, यहाँ पे सारे ग्रीन टिक्स दिख रहे हैं ना, इसका मतलब है सारे हमारे पास हो गए, कोई भी स्किप नहीं हुआ, कोई भी फेल नहीं हुआ। नेक्स्ट हम समझते हैं कि हम मल्टीपल फीचर फाइल्स को हम कैसे जनरेट करेंगे। अभी यहाँ पे फीचर्स इक्वल्स, यहाँ पे हमने एक ही फीचर फाइल को मेंशन किया है, यहाँ पे हमने कस्टमर्स डॉट फीचर, हमने यहाँ पे एक ही फीचर फाइल को मेंशन किया है। लेकिन अगर हमें इस फीचर्स फोल्डर के सारे फीचर्स फाइल को हमें एग्जीक्यूट करना है, यहाँ पे हमारे पास दो फीचर फाइल्स हैं, अगर हमें दोनों फीचर फाइल्स को एग्जीक्यूट करना हो तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है। मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया कॉमेंट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे फीचर फाइल का नाम, हम यहाँ पे सिर्फ फोल्डर का नाम स्पेसिफाई करेंगे। अब इस फीचर्स फोल्डर में जितने भी फीचर्स फाइल होंगे, जितने भी फीचर फाइल्स होंगे, वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने सिनेरियोज हो जाएंगे, कस्टमर्स डॉट फीचर में तो हमारे पास तीन सिनेरियोज हैं, एड न्यू कस्टमर, सर्च बाय नेम एंड सर्च बाय ईमेल, तीन सिनेरियोज हैं। और लॉगिन डॉट फीचर में कितने सिनेरियोज हैं, इसमें हमारे पास एक डेटा ड्रिवन टेस्ट भी था, ये है हमारा लॉगिन डॉट फीचर, ये हमारा लॉगिन डॉट फीचर। इसमें हमारे पास पहला सिनेरियो है सक्सेसफुल लॉगिन विद वैलिड क्रेडेंशियल, और उसके बाद है एक सिनेरियो आउटलाइन फॉर डेटा ड्रिवन टेस्टिंग, और इसमें हमने जो डेटा सेट लिया है, जो हमारा डेटा सेट है, वो हमारा दो डेटा सेट है, तो सिनेरियो आउटलाइन के लिए हमारा दो बार एग्जीक्यूट होगा फॉर टू डेटा सेट, और एक फर्स्ट सिनेरियो सक्सेसफुल लॉगिन विद वैलिड क्रेडेंशियल, तो इसमें भी तीन सिनेरियोज हैं, और कस्टमर्स डॉट फीचर फाइल में भी तीन सिनेरियो, तो टोटल हो गया हमारे पास सिक्स सिनेरियोज। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हमने फीचर्स में, यहाँ पे हमने मेंशन किया है फीचर्स का फोल्डर, जहां भी कंप्लीट फोल्डर ही हमने मेंशन कर दिया, तो इस फीचर्स फोल्डर में हमें जितने भी फीचर फाइल्स होंगे वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। तो राइट क्लिक, रन एज जे यूनिट टेस्ट। तो अभी कस्टमर्स डॉट फीचर फाइल एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके सिनेरियोज एग्जीक्यूट हो रहे हैं, यहाँ पे ईमेल एड्रेस रैंडमली जनरेट हो गया और ऐड भी हो गया। अभी कस्टमर्स डॉट फीचर फाइल का ये हमारा नेक्स्ट सिनेरियो है सर्च बाय ईमेल एड्रेस। ये भी रैंडमली ये भी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया, सर्च बाय ईमेल एड्रेस भी। अब है सर्च बाय नेम, सर्च बाय नेम भी हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, और हमारा लॉगिन डॉट फीचर फाइल जनरेट हो रहा है। इसमें है अभी आई थिंक ये फर्स्ट सिनेरियो एग्जीक्यूट हो रहा है, जो विदाउट डेटा ड्रिवन वाला है, सक्सेसफुल लॉगिन विद वैलिड क्रेडेंशियल, ये वो सिनेरियो एग्जीक्यूट हुआ। अब नेक्स्ट हमारा डेटा ड्रिवन टेस्टिंग एग्जीक्यूट हो रहा है, तो हमारा ये जो लास्ट जो हमारा टेस्ट डेटा हमने दिया था डेटा ड्रिवन टेस्टिंग में, लॉगिन डॉट फीचर में हमने यहाँ पे जो हमने ये वाला जो हमने टेस्ट डेटा दिया था, ये हमने इनवैलिड टेस्ट डेटा दिया था, तो इसीलिए हमारा ये टेस्ट केस फेल हो गया, इसीलिए हमारा लॉगिन अनसक्सेसफुल रहा, क्योंकि उस ईमेल आईडी से कोई भी कस्टमर एडेड नहीं है, तो हमारा एक टेस्ट केस हमारा फेल हो गया। अब हम इसकी रिपोर्ट चेक करते हैं, तो टोटल हमारे छह सिनेरियोज रन होने चाहिए, जिसमें से हमारा एक सिनेरियो है ये वाला, हमारा फेल हो गया। तो यहाँ पे एरर आ रहा है ना, टोटल 6/6, छह सिनेरियोस थे, सिक्स सिनेरियोस हमारे एग्जीक्यूट हो गए, एक एरर आया, एक फेलियर है। तो अब हम रिपोर्ट चेक करते हैं, इसको हमने कर दिया क्लोज, और ये रही हमारी रिपोर्ट, इसको हम करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए, सबसे पहले हमारा एग्जीक्यूट हुआ था कस्टमर डॉट फीचर, कस्टमर डॉट फीचर में
सारे टेस्ट केसेस हमारे, सारे सिनेरियोज हमारे पास हो गए, सारे टेस्ट स्टेप्स पास हो गए, ठीक है। यहाँ पे 67% पास हुआ। अब इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट फीचर फाइल, ये है हमारा नेक्स्ट फीचर फाइल। नेक्स्ट फीचर फाइल में क्या हुआ, सक्सेसफुल लॉग इन विथ वैलिड क्रिडेंशियल। अब इसमें हमारा लॉग आउट ऑप्शन, लॉग आउट हमारा नहीं हो पाया, इसमें हमारा लॉग आउट एक्शन नहीं हो पाया, फॉर सम रीजन हमारा लॉग आउट एक्शन नहीं हो पाया। और सिनेरियो आउटलाइन में हमारा एक जो हमारा टेस्ट डेटा था, टेस्ट एट द रेट योर स्टोर डॉट कॉम, ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। नेक्स्ट हमें अगर किसी स्पेसिफिक फीचर फाइल्स को हमें एग्जीक्यूट करना हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें इस रनर फाइल में हमें कस्टमर डॉट फीचर्स एंड लॉग इन फीचर डॉट फीचर, सिर्फ इन दो फीचर फाइल को एग्जीक्यूट करना हो, हमें फीचर्स फोल्डर के सारे फीचर्स फाइल को एग्जीक्यूट नहीं करना है, हमें एग्जीक्यूट करना है सिर्फ कस्टमर्स डॉट फीचर और लॉग इन फीचर डॉट फीचर, हमें दो स्पेसिफिक फीचर फाइल्स को एग्जीक्यूट करना है। तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि इस स्टेटमेंट से अगर हम ऐसे राइट करेंगे तो इस फीचर्स फोल्डर में जितने भी फीचर्स फाइल होंगे वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। अभी तो हमारे पास इस फीचर्स फोल्डर में, इस फ्रेमवर्क में हमारे पास दो ही फीचर फाइल है, तो दो ही फीचर फाइल एग्जीक्यूट हुए, लेकिन हो सकता था यहाँ पे 3, 4, 5 और भी ज्यादा फीचर फाइल्स हो सकते थे, डिपेंडिंग अपॉन द फीचर ऑफ द एप्लीकेशन, ज्यादा फीचर्स भी हो सकते थे। तो अगर हमें स्पेसिफिक फीचर फाइल को एग्जीक्यूट करना है तो वो कैसे करेंगे ये समझते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, इसको मैंने कर दिया कमेंट और इसको कर देते हैं अनकमेंट, और यहाँ पे हम यूज करेंगे कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। इस कर्ली ब्रेसेस को हमने यहाँ कर दिया क्लोज। अब यहाँ पे डबल कोट्स में कॉमा से यूज करके हम कितने भी फीचर फाइल को हम सेपरेट कर सकते हैं। अभी तो हमें दो फीचर फाइल को एग्जीक्यूट करना है, ये हो गया हमारा पहला फीचर फाइल डबल कोट्स के अंदर, फिर यहाँ पे हमने लगा दिया एक कॉमा और इसके बाद दूसरा फीचर फाइल, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहीं पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, और इसमें हम फीचर फाइल का नाम चेंज कर देंगे। तो फीचर फाइल का नाम है लॉग इन फीचर डॉट फीचर, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये पहला फीचर फाइल हमारा एग्जीक्यूट होगा, फिर ये हमारा दूसरा फीचर फाइल एग्जीक्यूट होगा। अभी हमें सिर्फ ये दो फीचर फाइल ही एग्जीक्यूट होंगे, तो हमने इसको कर दिया सेव और हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट। राइट क्लिक, रन एज जे यूनिट टेस्ट, और ये टेस्ट केस का फीचर फाइल का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। अभी एक एक करके हमारे सारे सिनेरियोस एग्जीक्यूट होंगे, टोटल हमारे पास दोनों फीचर फाइल का मिला के हमारे पास टोटल 6 सिनेरियोस हैं। अभी यहाँ पे हम जब भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, तो हर बार एक न्यू ईमेल आईडी जनरेट हो रही है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, क्योंकि अभी हमने रैंडम फंक्शन को यूज करके ईमेल आईडी जनरेट किया है ना, इसलिए तो हमें बार बार न्यू कस्टमर को ऐड करने के लिए, हमें टेस्टिंग पर्पस के लिए हमें हमेशा न्यू आईडी चेंज नहीं करना पड़ रहा। कि हमारे लास्ट टेस्ट केस फेल हो गया क्योंकि वो इनवैलिड ईमेल एड्रेस है। मैं इसको कर देती हूँ क्लोज। तो इस तरीके से हम मोर देन वन फीचर फाइल्स को हम एग्जीक्यूट करते हैं। जिस तरीके से हमने फीचर फाइल्स को इंक्लूड किया है यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ऐड करके कॉमा से सेपरेट करके, ठीक उसी तरीके से हम स्टेप डेफिनेशन फाइल्स को भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। अभी तो हमारे स्टेप डेफिनेशन फोल्डर में सिर्फ एक ही स्टेप डेफिनेशन फाइल है, तो हमने यहाँ पे स्टेप डेफिनेशन फोल्डर को ही मेंशन कर दिया है, लेकिन रियल टाइम सिनेरियोस में ऐसा होता है कि हमारे पास मल्टीपल स्टेप डेफिनेशन फाइल्स होती हैं। तो अगर आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी स्टेप डेफिनेशन फाइल इंक्लूड करना है, तो जैसे हमने यहाँ पे फीचर फाइल्स के लिए ऐड किया है, फीचर फाइल्स को ऐड किया है, ठीक उसी तरीके से आप स्टेप डेफिनेशन फाइल को भी ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम समझते हैं टैग्स क्या होते हैं। तो फीचर फाइल में ये कस्टमर्स डॉट फीचर फाइल है, बाय डिफॉल्ट जब भी हम
फीचर फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं रनर में, रन डॉट जावा में, जब भी हम फीचर फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट फीचर फाइल में जितने भी सिनेरियोज होते हैं वो सारे सिनेरियोज एग्जीक्यूट होते हैं। जितने भी टेस्ट सिनेरियोज हमने यहाँ पे राइट किए हैं वो सारे टेस्ट सिनेरियोज एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन अगर हमें किसी टेस्ट सिनेरियो को हमें किसी स्पेसिफिक टेस्ट टाइप के साथ एसोसिएट करना है, फॉर एग्जांपल हम किसी टेस्ट सिनेरियो को हम सैनिटी टेस्टिंग के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं, या स्मोक टेस्टिंग के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं, या रिग्रेशन टेस्टिंग के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे? तो ये हम कर सकते हैं टैग्स यूज करके। फॉर एग्जाम्पल अभी इस फीचर फाइल में हमारे पास मल्टीपल सिनेरियोज हैं, एड न्यू कस्टमर, सर्च कस्टमर बाय ईमेल, सर्च कस्टमर बाय नेम, ये सारे सिनेरियोज हैं। अब हम चाहते हैं कि जब हम सैनिटी टेस्टिंग परफॉर्म करें तो हम इसमें सारे सिनेरियोज को हम एग्जीक्यूट नहीं करें, हम सर्च कस्टमर बाय ईमेल और सर्च कस्टमर बाय नेम, ये दोनों सिनेरियो हम सिर्फ रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए ही करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों सिनेरियोज के ऊपर हम यहाँ पे एट द रेट, यहां हम राइट करेंगे एट द रेट का सिंबल और फिर टैग का नाम लिख देंगे रिग्रेशन टेस्टिंग या रिग्रेशन लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम सर्च कस्टमर बाय नेम, इसको भी हम सिर्फ रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए एग्जीक्यूट करना चाहते हैं इस सिनेरियो को भी, तो हमने इसके भी साथ लिख दिया यहाँ पे रिग्रेशन टेस्टिंग, रिग्रेशन टैग हमने इसके ऊपर भी ऐड कर दिया। अब एड न्यू कस्टमर हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं सैनिटी टेस्टिंग के लिए, ठीक है, एड न्यू कस्टमर हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं सैनिटी टेस्टिंग के लिए, तो यहाँ पे एट द रेट सैनिटी हमने राइट कर दिया, ठीक है। अब ठीक इसी तरीके से लॉग इन फीचर में, इस फीचर फाइल में भी हमारे पास मल्टीपल सिनेरियोज हैं। अब सक्सेसफुल लॉग इन विथ क्रेडेंशियल, इस सिनेरियो को हमें एग्जीक्यूट करना है सैनिटी टेस्टिंग के लिए, तो यहाँ पे हमने इस सिनेरियो के ऊपर हमने एक टैग ऐड कर दिया एट द रेट सैनिटी लिख दिया हमने। अब सिनेरियो आउटलाइन हमें एग्जीक्यूट करना है रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए, तो यहाँ पे एट द रेट रिग्रेशन, ठीक है। तो ये यूज होता है टैग्स का, हम किसी भी सिनेरियो को किसी भी स्पेसिफिक टेस्ट टाइप के साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं, स्मोक टेस्टिंग हो गया, रिग्रेशन टेस्टिंग हो गया, सैनिटी टेस्टिंग हो गया, और भी किसी टाइप की आपको टेस्टिंग परफॉर्म करनी है तो आप सिनेरियोस को स्पेसिफिक टेस्ट टाइप के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। अगर किसी सिचुएशन में आपको किसी सिनेरियो को स्किप करना है या किसी पर्टिकुलर सिनेरियो को ही एग्जीक्यूट करना है तो आप इस तरीके से आप टैग्स यूज करके सिनेरियोस को आप स्पेसिफिक टेस्ट टाइप के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। अब हमें अगर सिर्फ सैनिटी वाले सिनेरियोस हमें एग्जीक्यूट करने हैं फीचर फाइल्स के, हमारे पास दो फीचर फाइल्स हैं, कस्टमर्स फीचर डॉट फीचर एंड लॉग इन फीचर डॉट फीचर। अब हमें इन दोनों फीचर फाइल्स के सिर्फ सैनिटी सिनेरियोस एग्जीक्यूट करने हैं तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम चलते हैं रनर फाइल में और यहाँ पे हम एक टैग यूज करेंगे, यहाँ पे हम टैग्स ऑप्शन यूज करेंगे, टैग्स इक्वल्स और यहाँ पे डबल कोट्स में हमें जो भी सिनेरियोस हमें एग्जीक्यूट करना है, हमें एट द रेट सैनिटी वाले सिनेरियो एग्जीक्यूट करने हैं, तो यहाँ पे एट द रेट सैनिटी, सॉरी सैनिटी और यहाँ पे कॉमा। तो अब जब हम इस रनर फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे तो सिर्फ वो सिनेरियोस जो एट द रेट सैनिटी के अंडर हैं सिर्फ वही एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो वो सारे सिनेरियो जो एट द रेट सैनिटी टैग के अंदर है सिर्फ वही सिनेरियो एग्जीक्यूट होंगे जब हम इस रनर फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, राइट क्लिक रन एज जे यूनिट टेस्ट, तो सारे सिनेरियो जो भी सैनिटी टैग के अंडर हैं वो सारे सिनेरियो अभी एग्जीक्यूट हो रहे हैं
और ये टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन हो गया कंप्लीट। अब हम इसकी रिपोर्ट चेक करते हैं। राइट क्लिक, ओपन विथ क्रोम एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, और ये रही रिपोर्ट। तो ये हमारा कस्टमर्स डॉट फीचर, इसको हम एक्सपैंड करते हैं और यहाँ हम चेक करते हैं। तो ये एट द रेट सैनिटी, यहाँ पे आपको सारे ग्रीन मार्क दिख रहे हैं ना, तो ये वाला एग्जीक्यूट हो गया। हमने एड न्यू कस्टमर को हमने एट द रेट सैनिटी टेस्ट के अंदर डाला था, तो यहाँ पे ये वाला टेस्ट केस, ये वाला टेस्ट सिनेरियो एग्जीक्यूट हो गया। मगर सर्च कस्टमर बाय ईमेल, इसको हमने डाला था एट द रेट रिग्रेशन टैग के अंदर, और सर्च कस्टमर बाय नेम, इसको भी हमने रिग्रेशन टैग के अंदर डाला था, तो ये दोनों एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि हमने टेस्ट रनर फाइल में हमने सिर्फ एट द रेट सैनिटी टैग वाले सिनेरियोज ही हमने इंक्लूड किए हैं। अब ठीक, ऐसे ही लॉग इन फीचर डॉट फीचर फाइल में, लॉग इन फीचर की फीचर फाइल में भी सिर्फ सैनिटी वाला सिनेरियो ही एग्जीक्यूट हुआ होगा। हमने सिर्फ एक सिनेरियो का यहाँ पे हमने सैनिटी टेस्ट के अंदर डाला था, सक्सेसफुल लॉग इन विद वैलिड क्रेडेंशियल, तो ये हो गया एग्जीक्यूट। ये सारे ग्रीन टिक आपको दिख रहे हैं ना, इसका मतलब है ये कि सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। और ये जो यहाँ पे ग्रे मार्क है एट द रेट रिग्रेशन टेस्ट के अंदर सिनेरियो आउटलाइन, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि ये हमने एट द रेट रिग्रेशन टेस्ट के अंदर डाला था। तो इस तरीके से हम सिनेरियोस को हम स्पेसिफिक टेस्ट के साथ एसोसिएट कर सकते हैं टैग्स यूज करके। अब हमें अगर किसी सिनेरियो को हमें एक से ज्यादा टेस्ट के साथ एसोसिएट करना हो, फॉर एग्जाम्पल हमें किसी सिनेरियो को हमें रिग्रेशन टेस्टिंग में भी डालना हो और हमें उसको सैनिटी टेस्टिंग में भी डालना हो, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए वापस चलते हैं अपने कोड में। तो मान लीजिए ये लॉग इन फीचर में हमें सक्सेसफुल लॉग इन विद वैलिड क्रेडेंशियल, हमें इस टेस्ट सिनेरियो को हमें सैनिटी के साथ साथ हमें रिग्रेशन टेस्ट के साथ भी हमें एसोसिएट करना है, तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पे एट द रेट सैनिटी टैग हमने ऐड किया है, इसके बाद हम यहाँ पे एट द रेट रिग्रेशन टैग भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब भी हम रिग्रेशन टेस्टिंग एग्जीक्यूट करेंगे तब भी ये वाला टेस्ट केस एग्जीक्यूट होगा, और जब हम सैनिटी टेस्टिंग करेंगे तब भी ये वाला टेस्ट सिनेरियो एग्जीक्यूट होगा। करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सैनिटी की जगह हम यहाँ पे राइट कर देते हैं रिग्रेशन, टैग में हम सैनिटी की जगह रिग्रेशन कर देते हैं, सेव कर दिया, और इसको राइट क्लिक, रन एज जे यूनिट टेस्ट। और ये टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। अब दोनों ही फीचर फाइल में जितने भी रिग्रेशन टैग वाले सिनेरियोस होंगे वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। एक एक करके सारे टेस्ट सिनेरियोस हमारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अभी चूंकि हमारा जो डेटा ड्रिवन टेस्टिंग है, इसमें जो हमारा डेटा ड्रिवन टेस्टिंग है सिनेरियो आउटलाइन, इसमें जो ये लास्ट डेटा सेट है ये इनवैलिड डेटा है, इसको मैं ऐसा करती हूँ कमेंट कर देती हूँ, इसी की वजह से हमारा टेस्ट केस फेल हो रहा है। तो मेरा टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, इसकी रिपोर्ट भी जनरेट हो गई है, तो मैं आप लोगों को एक बार रिपोर्ट दिखा देती हूँ। इसको एक बार कर लेते हैं रिफ्रेश, और यहाँ पे राइट क्लिक, ओपन विथ क्रोम एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, और ये रही हमारी रिपोर्ट। तो जितने भी टेस्ट सिनेरियोस हैं हमारे रिग्रेशन टेस्ट वाले, वो सारे एग्जीक्यूट होने चाहिए। तो ये देखिए सैनिटी था, ये टेस्ट सिनेरियो हमारा सैनिटी टेस्टिंग का था, तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, सिर्फ रिग्रेशन टेस्ट सिनेरियोस हमारे एग्जीक्यूट हुए हैं। तो जो भी टेस्ट सिनेरियोस रिग्रेशन टैग के अंदर है सिर्फ वही एग्जीक्यूट हुए, यहाँ पे देखिए ग्रीन टिक्स आ रहे हैं ना, ये सारे एग्जीक्यूट हुए हैं, ये भी रिग्रेशन टेस्ट में था, ये भी एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कस्टमर फीचर फाइल। अब हम देखते हैं लॉग इन फीचर फाइल, ये है हमारा लॉग इन फीचर फाइल, इसमें एक टेस्ट केस हमारा हो गया है फेल, जो हमारा इनवैलिड डेटा वाला जो था ना टेस्ट एट द रेट योर स्टोर,
तो ये जो डेटा सेट था हमारा ईमेल एड्रेस और पासवर्ड का, ये डेटा सेट, ये हमारा हो गया फेल। और इसमें सिर्फ एग्जीक्यूट हुए हैं सैनिटी रिग्रेशन टेस्टिंग वाले। तो हमने इस सक्सेसफुल लॉग इन विद वैलिड क्रेडेंशियल में हमने दोनों ही टैग्स यूज किए थे, सैनिटी एज वेल एज रिग्रेशन। तो यहाँ पे चूंकि रिग्रेशन टैग था तो ये भी एग्जीक्यूट हो गया है, क्योंकि हमने रिग्रेशन टेस्टिंग एग्जीक्यूट किया था यहाँ पे टैग में, हमने रनर फाइल में रिग्रेशन राइट किया था ना, इसीलिए यहाँ पे ये वाला सिनेरियो भी एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि ये वाला सिनेरियो रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए भी एप्लीकेबल है। तो इस तरीके से हम टेस्ट सिनेरियोज को मल्टीपल मल्टीपल टैग्स के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, मल्टीपल टेस्ट टाइप्स के साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं। आप एट द रेट सिंबल के साथ आप मल्टीपल यहाँ पे टैग्स एड कर सकते हैं। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने इस सिनेरियो को सिर्फ दो ही टेस्ट सिनेरियो के अंदर डाला है, सैनिटी और रिग्रेशन, सिर्फ दो हमने इसमें टैग्स ऐड किए हैं। अगर आपको इसको कल होकर यूआई टेस्टिंग में भी डालना है तो आप यहाँ पे यूआई टैग भी ऐड कर सकते हैं। आप कुछ भी यहाँ पे, ये नाम कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। अगर फंक्शनल टेस्टिंग है तो वो भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, फंक्शनल टेस्ट। स्मोक टेस्टिंग है तो वो भी राइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मल्टीपल टैग्स के साथ एसोसिएट कर सकते हैं सिनेरियोस को। नेक्स्ट, हमें अगर मल्टीपल टाइप के टेस्ट सिनेरियोज हमें रन करने हैं, रिग्रेशन भी हमें रन करना है, सैनिटी टाइप के टेस्टिंग भी रन करनी है, इस तरीके से हमें अलग अलग टाइप्स के टेस्ट सिनेरियोज को हमें रन करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑपरेटर एंड या और ऑपरेटर भी हम यूज कर सकते हैं, एंड या और ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। अब कैसे यूज करेंगे मैं आपको बताती हूं। तो अगर हमें वो टेस्ट सिनेरियोज जो सैनिटी या रिग्रेशन, सैनिटी के अंदर जो टेस्ट सिनेरियोज है और रिग्रेशन के अंदर जो टेस्ट सिनेरियोज है, हमें वो दोनों टाइप के टेस्ट सिनेरियोज हमें एग्जीक्यूट करने हैं, सैनिटी और रिग्रेशन, तो उसके लिए हम यहाँ पे और ऑपरेटर यूज करेंगे। तो टैग इक्वल्स एट द रेट सैनिटी, ये डबल कोट्स में राइट करना है हमें, एट द रेट सैनिटी और रिग्रेशन। तो इससे क्या होगा, दिस विल रन सिनेरियोज टैग विद सैनिटी और रिग्रेशन। ठीक है, अभी हम इसको करके भी देखेंगे। और अगर हमें वो टेस्ट सिनेरियोस रन करने हैं जो सैनिटी और रिग्रेशन दोनों में आते हैं, सैनिटी एज वेल एज रिग्रेशन दोनों में आते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, मैं आपको करके बताती हूं कैसे। अगर हम यहाँ पे और ऑपरेटर यूज करेंगे, सैनिटी और रिग्रेशन, तो अब क्या होगा, फीचर फाइल में सिनेरियो के ऊपर या तो रिग्रेशन या सैनिटी दोनों में से कुछ भी लिखा हो तो वो टेस्ट केस एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये फीचर फाइल, ये लॉगिन फीचर और कस्टमर डॉट फीचर, इन दोनों फीचर फाइल में सिनेरियो के ऊपर या तो सैनिटी लिखा हो या फिर रिग्रेशन लिखा हो, दोनों में से कोई भी एक लिखा है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा वो सिनेरियो। करके देख लेते हैं, इसको हमने कर दिया सेव और इसको राइट क्लिक, रन एस जे यूनिट टेस्ट। तो अभी क्या होगा, सारे टेस्ट सिनेरियो जिनके ऊपर सैनिटी या रिग्रेशन लिखा है वो सारे के सारे एग्जीक्यूट होंगे। तो सैनिटी वाले भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे और रिग्रेशन वाले भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे, दोनों ही एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ये हमारे टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन हो गया कंप्लीट। हम एक बार इसके रिपोर्ट चेक करते हैं, ओपन विद क्रोम एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, और ये रही रिपोर्ट। अब इसमें आप देखिएगा सारे एग्जीक्यूट हुए होंगे, क्योंकि हमारे जितने भी टेस्ट सिनेरियोज हैं सबके ऊपर सैनिटी या रिग्रेशन तो लिखा ही है। यहाँ पे सिर्फ रिग्रेशन वाले ही एग्जीक्यूट हुए हैं, एक बार देख लेते हैं क्यों सैनिटी एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ। एक बार चलते हैं कोड में, चेक करते हैं क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे हमने एट द रेट सिंबल नहीं मेंशन किया था ना, इसलिए अब इसको कर दिया हमने सेव और फिर से एग्जीक्यूट करते हैं।
तो टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन हो गया कंप्लीट। अब रिपोर्ट ओपन करते हैं, ओपन विद क्रोम HTML डॉक्यूमेंट। और ये देखिए, अब यहाँ पे ये सारे हमारे सैनिटी एज वेल एज रिग्रेशन जितने भी सारे थे सारे एग्जीक्यूट हुए। अभी यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे सैनिटी टैग था तो इसलिए ये भी एग्जीक्यूट हो गया, इसके ऊपर यहाँ पे रिग्रेशन टैग था इसलिए ये भी एग्जीक्यूट हो गया। तो सारे रिग्रेशन और सैनिटी वाले सिनेरियोज हमारे एग्जीक्यूट हो गए। ये देखिए फीचर फाइल में भी, लॉगिन फीचर फाइल में भी वही है, सैनिटी वाले भी एग्जीक्यूट हो गए और रिग्रेशन वाले भी एग्जीक्यूट हो गए, दोनों ही एग्जीक्यूट हो गए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में क्या होगा, अगर हम यहाँ पे राइट करेंगे सैनिटी एंड रिग्रेशन, तो वो टेस्ट सिनेरियोज जो सैनिटी एज वेल एज रिग्रेशन के साथ एसोसिएटेड होंगे सिर्फ वही एग्जीक्यूट होंगे। फॉर एग्जाम्पल इस फीचर फाइल में, लॉग इन फीचर फाइल में यहाँ पे हमने सैनिटी एंड एट द रेट रिग्रेशन, अब हमने क्या किया इस टेस्ट सिनेरियो को हमने सैनिटी एज वेल एज रिग्रेशन दोनों के साथ एसोसिएट किया। तो अब जब हम इस रनर फाइल को रन करेंगे तो सिर्फ यही वाला फीचर, सिर्फ यही वाला सिनेरियो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये टेस्ट सिनेरियो सैनिटी एज वेल एज रिग्रेशन दोनों के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, तो एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। राइट क्लिक, रन एज जे यूनिट टेस्ट। तो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, अब रिपोर्ट ओपन करते हैं, ओपन विथ क्रोम HTML डॉक्यूमेंट। और ये देखिए यहाँ पे सिर्फ लॉग इन फीचर ही एग्जीक्यूट हुआ, कस्टमर फीचर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं था जो सैनिटी और रिग्रेशन दोनों के साथ, सैनिटी एंड रिग्रेशन दोनों के साथ एसोसिएटेड था। ठीक है, और लॉग इन फीचर में भी सिर्फ एक ही सिनेरियो एग्जीक्यूट हुआ है जो सैनिटी और रिग्रेशन दोनों के साथ एसोसिएटेड था, जो सिर्फ रिग्रेशन के साथ एसोसिएटेड था सिनेरियो वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो ये डिफरेंस है एंड और ऑपरेटर में। अब हमें अगर किसी सिनेरियो को एक्सक्लूड करना है, किसी सिनेरियो को हमें स्किप करना है, फॉर एग्जाम्पल हमें सिर्फ सैनिटी को एग्जीक्यूट करना है और हमें रिग्रेशन को एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एंड नॉट ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, इस स्टेटमेंट से क्या होगा, सिर्फ सैनिटी वाले सिनेरियोज एग्जीक्यूट होंगे और रिग्रेशन वाले सिनेरियोज जो है वो स्किप हो जाएंगे, वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे रिग्रेशन के लिए हमने यहाँ पे एंड नॉट ऑपरेटर यूज किया है। तो इस तरीके से हम एंड और ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं मल्टीपल्स टाइप के, अलग अलग टाइप्स के टेस्ट सिनेरियोस को एग्जीक्यूट करने के लिए, अलग अलग टाइप्स की टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए। तो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया कि कैसे हम बेस क्लास क्रिएट करेंगे कॉमन मेथड्स के लिए। स्टेप डेफिनेशन फोल्डर में हमने बेस क्लास क्रिएट किया, बेस क्लास क्रिएट किया हमने कॉमन मेथड्स के लिए, जो भी कॉमन मेथड्स होने वाले हैं स्टेप डेफिनेशन के लिए। अभी तो इस प्रोजेक्ट में हमारे पास एक ही स्टेप डेफिनेशन फाइल है, लेकिन रियल टाइम में हमारे पास मल्टीपल स्टेप डेफिनेशन फाइल्स होती हैं। तो जो भी कॉमन मेथड्स होते हैं हम उनको एक हम सेपरेट क्लास में, हम बेस क्लास में मेंटेन करते हैं और उस बेस क्लास को हम स्टेप डेफिनेशन फाइल्स में एक्सटेंड करते हैं, उस बेस क्लास को हम स्टेप डेफिनेशन फाइल्स में एक्सटेंड करते हैं और फिर उन कॉमन मेथड्स को हम स्टेप डेफिनेशन फाइल्स में हम यूज करते हैं। तो हमने ये डिस्कस किया कि किस तरीके से हम बेस क्लास क्रिएट करेंगे और किस तरीके से उस बेस क्लास को हम इनहेरिट करेंगे स्टेप डेफिनेशन फाइल में। फिर उसके बाद हमने मल्टीपल फीचर फाइल्स को हमने कैसे एग्जीक्यूट करना है हमने ये भी डिस्कस किया, रनर फाइल में, टेस्ट रनर फाइल में कैसे हम मल्टीपल फीचर फाइल्स को हम एग्जीक्यूट करेंगे इसको भी हमने डिस्कस किया, इसको हमने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखा। और टैग्स क्या होते हैं क्यूकम्बर में इसको भी हमने डिस्कस किया, किस तरीके से हम फीचर फाइल में हम टैग्स को यूज करके हम अलग अलग सिनेरियोज को हम अलग अलग टेस्टिंग टाइप्स के साथ एसोसिएट करते हैं, और किस तरीके से हम रनर फाइल में टैग्स को यूज करके हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, अलग अलग टाइप्स के हम टेस्टिंग्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इन सारी चीजों को हमने डिटेल में डिस्कस किया, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करके देखा। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।